ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जस्ट बिकॉज ये मेरे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल है। आई एम सो एक्साइटेड। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्राचिका व्लॉग्स। हम लोगों का नया वीडियो शूट हो रहा है और फिलहाल हम लोग ऐसे कुछ वेदर और सुबह के बजे हैं 12, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग की है। जैसे कि मैं एक ऐसी जगह जाने वाली हूँ जहाँ का बुलावा मैं चाह रही थी, तब आ जाए फाइनली। ये नहीं, मैं चाह रही नहीं कर रहा है, वो बाद में रिलीज करेंगे, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। फिलहाल ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जस्ट बिकॉज ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल है, बोल सकते हैं मेरा स्पेशल होता है। इस बार मेरा स्पेशल है और हम आपको पूरे ब्लॉग में दिखाएंगे, तो प्लीज़ बने रहना एंड तक। शुरू करते हैं, चलो। तो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं सिनेमा, PVR। तो हम लोग आ गए हैं PVR टू वॉच माई वन ऑफ द फेवरेट मूवीज ऑल द टाइम। जब भी मैं बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी। मतलब मुझे भी अच्छी लगी थी, ऐसा नहीं कोई मेरा खास मतलब फ़ैन हो, लेकिन हाँ मूवी बहुत अच्छी थी। और दूसरी चीज़ कि सबको पता है कि थिएटर में लग रही है, इससे पहले हम DDLJ देख कर आए थे और अब हम जब भी मेट जस्ट बिकॉज ऑफ डॉली। तो प्रांशी भी आ रही है, एक बार फिर प्रांशी का ब्लॉग एक साथ होंगे और हम देखेंगे उससे पहले। हम इतने ज़्यादा थक गए हैं ना, खाना पीना घूमना चल के तो बस ठीक है, लेकिन फिर इन्जॉय करेंगे। छोटा सा ब्लॉग ही रहेगा, तो अभी वेट कर रहे हैं प्रांश का, फिर हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं और अपना मूवी स्टार्ट करते हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे ऑब्वियसली। जब मेरे को पता चला था कि हाँ जब भी मैं थिएटर पे लग रही है, तो उसी के बाद से मैंने टिकट देखना स्टार्ट कर दिया। एंड यू नो व्हाट, सारे टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड थे, इसकी डेट्स कई बार आगे एक्सटेंड हुई गई है। तो लकीली मेरे को 19th आज चांस मिला है देखने का और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी फेवरेट मूवी थिएटर तो अपने। वाली एक्साइटमेंट में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे कि सबको पता है कि हम एक मूवी देखने आए हैं, लेकिन बहुत जल्द हम देखेंगे Only for him। I am so excited। इसकी तो मैं रणवीर को देख रही हूँ। Oh my God, डॉली का सबसे ऊपर। मेरे सारे सामान के साथ, जी हाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। कोई दम तो मत रखना दिल में, सिखड़ी हूँ मैं भटिंडा की। और सबसे अच्छी चीज़ की जो मूवी की पुरानी डायलॉग्स है उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, क्योंकि सब सुने हुए थे गाने बहुत अच्छे हैं, गाने में डांस किया है, जो लास्ट गाना था उसमें भी बहुत ज़्यादा खून लग गए। तो मतलब बहुत अच्छा एक वाइब सी हो।
जब भी मेट का रिव्यू बस अभी अच्छी बोलेगी, लेकिन बता कुछ अलग, कैसी अलग फीलिंग थी? रिव्यूज डेफिनेटली तुमको पूरी वीडियो में मिल ही जाएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे एंड तक. इतनी एक्साइटमेंट थी पूरे हॉल में और इतना मजा आया पूरे हॉल को देखते हुए. मेरे को देखो, मेरे को सुनो, मेरे को ही देखो, मेरे को नहीं नोटिस करो. हाँ, तो बहुत मजा आया पूरे टाइम. सिर्फ सब लोगों का ये बेस्ट थिएटर में देखा. अब आपको इससे बेटर रिव्यू क्या चाहिए? हर बंदा झूम रहा था, हर सॉन्ग पे झूम रहा था. फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड जोश वाज टोटली हाई. हर कोई सकता कि इतनी, मतलब इतनी पुरानी मूवी है, इतनी पुरानी मूवी होने के बाद भी वो हजारों बार देखी, आज भी बरकरार थी, आज भी हम उसी जोश के साथ देखे. डेफिनेटली था कि भाई हम बचपन में पहले वो नहीं देख पाए थे थिएटर में जो भी सीजन थे, बट फाइनली हम लोग देखे हैं एंड इट वॉज वर्थ इट. तो अब हम घूम लिए हैं सिटी सेंटर मॉल में. हमने आके फिल्म देखी और शालीमार बाग हम आए और काफ़ी मज़े किए, थोड़ा सा खरीद भी लिया. तो अब टाइम हो गया है जाने का. और कैसा लगा ये ब्लॉग, कैसी लगी जब भी मेट, बताइएगा ज़रूर कमेंट में, लाइक करके और शेयर करके. बाय.